मोदी जैसे चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का ठेकेदार चेहरा, दंगाई चेहरा, और वैसा चेहरा जो कश्मीर का प्रभारी हो, तो कश्मीर में दंगा होना लाजमी है। नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जो ताड़ीपार का जो चेहरा है भगोड़ा का, ये दोनों का जो ये ट्विन वन चलता है देश में, हिंदू और हिंदू के ठेकेदार, हिंदू रीति रिवाज से हिंदू के परिजन उसका दाह संस्कार तक नहीं कर पाए, और ये नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग डमरू थाली और ताली बजवा रहे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। हमारे बीच अभी एक शिवहर के युवा है। तो अभी जो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा जो बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल है, इसी पे कुछ बातचीत इनसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका भी स्वागत है। ये बताइएगा कि कश्मीर फाइल जो मूवी विवेक अग्निहोत्री के द्वारा जो बनाया गया है, इसमें कहां तक क्या सच्चाई है और इससे देश को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में देखिए। आपको आप मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और चूंकि मैं शिवहर का रहने वाला हूं, बिहार शिवहर का, इसलिए शिवहर जिला के युवाओं से, यहां के आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो ये मुद्दा देश में लाया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी फिलहाल। और इसको अभी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो या टीवी पे हो, न्यूज़ चैनलों पे हो, इतना इसको तवज्जो दिया जा रहा है, फिल्म अच्छी कमाई भी की है। तो मेरे ख्याल से, मेरे समझ से, इस वक्त जो हिंदुस्तान की परिस्थिति है, जो विश्व की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इस तरह का फिल्म हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और आपने जो सवाल किया है उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार हो रहा था, उस वक्त देश में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ये शायद 89-90 की बात है, 89 से 90 के बीच की बात है। तो 90 उस समय देश में प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, और बीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री थे, उस वक्त की ये घटना है। और जो हिंदू और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट जिस पार्टी ने दे रखी है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, और जो हिंदू का ठेकेदारी करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि ये हल्ला हो रहा है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस ने ऐसा कश्मीर का ये मुद्दा किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, 89-90 में कांग्रेस विपक्ष में थी, और उस वक़्त प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और भाजपा के समर्थन में थे। और कश्मीर में राज्यपाल चूंकि होते हैं, उसमें राष्ट्रपति शासन राज्यपाल का होता है, राज्यपाल जगमोहन जी थे, जो भाजपा के ही लोग थे राज्यपाल। और उस वक़्त आप समझ सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद का भी 1964 के आसपास में विश्व हिंदू परिषद बना, आरएसएस 1925 में बनी, भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक में बना। तो ये सभी जितने भी तमाम हिंदू संगठन हैं, उनका हिंदुस्तान में आगमन हो चुका था, प्रस्थान हो चुका था। उस वक़्त ये लोग कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे, आरएसएस कहाँ था, विश्व हिंदू परिषद कहाँ था, और उनकी सरकार थी, जगमोहन जी वहाँ के राज्यपाल, भाजपा के राज्यपाल थे। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी जिस वक़्त ये फिल्म बन रही है, विवेक अग्निहोत्री जी बनाए हैं फिल्म, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री है, और उस समय नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रभारी मंत्री थे। तो 1990 में नरेंद्र मोदी, जहां तक हमारी जानकारी है, अगर हम गलत हों तो करेक्ट कीजिएगा, उस समय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री थे। तो आप और जनता भारतवर्ष के अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जैसे चेहरा जो हिंदुत्व का ठेकेदारी करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का ठेकेदार चेहरा, दंगाई चेहरा, और वैसा चेहरा जो कश्मीर का प्रभारी हो, तो कश्मीर में दंगा होना लाजमी है। और इसी संदर्भ में, इसी कारण आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा सत्ता में कैसे आती है, भाजपा का क्या प्रायोजित कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रमोट किस तरीके से करती है हिंदुस्तान में, ये, और नरेंद्र मोदी खास तौर पे, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जो ताड़ीपार का जो चेहरा है भगोड़ा का, ये दोनों का जो ये ट्विन वन चलता है देश में, ये किस तरह से चलता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये पहली बात, वर्तमान परिस्थिति में कश्मीर मुद्दे की बात आपने किया, तो ये बात हमने कह दिया।
वर्तमान परिस्थिति में जो फिल्म बननी चाहिए ये बेरोजगारी पे बनना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बनना चाहिए। अब स्वास्थ्य सुविधा पर हमें याद आ गया, जो 2 साल पहले कोरोना का दर्द जो झेला है पूरे हिंदुस्तान का लोग, पूरे विश्व का लोग, इसमें यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटेंडम अनाउंसमेंट करके 30-30 दिन तक लोग बिना रोटी के बिना पानी के दिल्ली बम्बई पंजाब बड़े बड़े महानगरों में कैसे अपने आप को घर में ही मर गए। कई दिनों के बाद लाश निकला, माँ अपने बच्चों को कंधे पे लाद कर इतनी कठिनाई से इतना दूर भूखे प्यासे पैदल चला कि माँ को पता नहीं चला कि उसका बच्चा उसके कंधे पे मर गया है। माँ सोचा कि मेरा बच्चा सोया हुआ है। पिता अपने पुत्र का लाश साइकिल पे लाद के ले जा रहा है। ये फेलियर इन सब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है और ये भाजपा का चाल और चरित्र है। अभी उत्तर प्रदेश में लाशें इतनी पड़ी थी जो ढक नहीं सकता था। हिंदू और हिंदू के ठेकेदार हिंदू रीति रिवाज से हिंदू के परिजन उसका दाह संस्कार तक नहीं कर पाए। ऑक्सीजन के कमी से हॉस्पिटलों में कैसे छटपटाहट से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कैसे ये व्यवस्था का दर्द झेला है, और ये नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग डमरू थाली और ताली बजवा रहे थे। और इस चीज़ों को दिखाना चाहिए, इस चीज़ों पे फिल्म बननी चाहिए। कुछ दिन पहले यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के काला कानून लाया और 750 किसानों का हत्या दिल्ली बॉर्डर पे हो गया, और ये मोदी प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई लोग उसको पूछने तक नहीं गया। 750 किसान का हत्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण उसकी हत्या हुई। इस पे फिल्म बनाने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है। ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इन पे फिल्म नहीं बनाएंगे। तो ये तो प्रायोजित कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, दंगा करो अफवाह फैलाओ। और एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिला में रहते हैं, देश में ऐसा चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, जिसमें लोगों में उन्माद पैदा हो, देश में विवादास्पद बयान चले, देश में दंगा हो, देश में फिजूल की बातें हो, देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए, देश की संप्रभुता पे खतरा हो जाए, देश के सद्भाव पे आँच आने लगे, तो एक कश्मीर फाइल देश में सद्भाव को बिगाड़ने वाली पिक्चर है। देश की वर्तमान स्थिति में इसका कोई अहमियत नहीं है और टोटली भाजपा प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित फिल्म है। इसमें ये तो फिल्म है और इसको लोग सच्चाई में कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि सच्चाई है। समझ में नहीं आ रहा देश की सच्चाई क्या है, देश की स्थिति क्या है। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दंगाइयों का चाल और चरित्र रहा है और इसी के माध्यम से सत्ता में काबिज रहे हैं।